हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग आज से नीट की अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे और नीट का जो चैप्टर 1 है वो है हम लोगों का लिविंग वर्ड। सो अगर हम लोग बात करें लिविंग वर्ड चैप्टर की, तो हम लोग को यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, हम लोग देखेंगे कि क्या होते हैं लिविंग वर्ड। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ लिविंग वर्ड का मतलब है जो भी लिविंग थिंग्स है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम लोग का फोकस रहेगा कि व्हाट इज लिविंग, डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, सो आपने देखा कि जो वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स हैं अमेजिंग है काफी। तो जो इनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स हैं, हैबिटेट का मतलब होता है इनका एड्रेस, मीन्स ये अलग अलग लोकेशन पे मिल रहे हैं। इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट कोल्ड माउंटेन, डेसिड्यूस फॉरेस्ट हो सकते हैं, ओशंस हो सकते हैं, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट हो सकता है, हॉट स्प्रिंग हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है व्हाट इज लिविंग को समझ सकते हैं। और लिविंग को समझने के लिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये देखेंगे यहाँ पर कि जो भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं। ठीक है, क्या करेक्टरिस्टिक फीचर हैं हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज लिविंग ये मैंने यहाँ पे डिस्कस करा आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, पूरा हम लोग एनसीईआरटी को ही बेस बनाते हुए सारे कंसेप्ट को पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे। और मैं धीरे धीरे करके इसको कर रही हूँ। देखिए, अर्नेस्ट मार जो थे ये बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारा काम किया इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से रिलेटेड। लिविंग वर्ड, व्हाट इज लिविंग, सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। हालांकि आपको मैं कुछ पॉइंट यहाँ पर ऐसे बताऊंगी जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी ग्रो कर जाते हैं। कैसे, आपने देखा होगा जो माउंटेन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ, वो तो नॉन लिविंग है फिर भी वो ग्रो कर जाते हैं। स्नो होती है, स्नो डिपोजिशन हो जाता है वहां पर। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ग्रो करते हैं, मतलब कि उनका मास इंक्रीज कर रहा है, नंबर इंक्रीज कर रहा है। दीज आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम लोग ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन दो टर्म को समझ लें, तो डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन, जो हमारा डेवलपमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो दो पार्ट्स में होता है, ग्रोथ एंड डिफरेंसिएशन। ओवरऑल डेवलपमेंट इसी पे डिपेंड रहता है, दिस इज द डेवलपमेंट। ओके, सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके सब ग्रो करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं बाय सेल डिविजन प्रोसेस इन प्लांट्स। और आगे हम लोग अगर बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और भी बहुत सारे करेक्टर्स हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक अकेला फीचर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही देखने को मिलता है। प्लांट्स की अगर हम लोग बात करें तो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो सेल डिविजन से होती है, और यहाँ पे जो सेल डिविजन है वो माइटोसिस भी हो सकती है और मियोसिस भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा टाइप का सेल है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो भी ग्रो करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, माउंटेन्स, बाउल्डर्स, सैंड माउंट्स डू ग्रो। हावर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बाय अकुमुलेशन ऑफ मटेरियल, वहां पे मटेरियल अकुमुलेट कर रहा है। और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो अंदर से होती है। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इसलिए हम लोग ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा फोकस होगा रिप्रोडक्शन के ऊपर। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन से हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। मान लीजिए पेरेंट्स हैं, ठीक है, मान लीजिए ये हमारे मेल पेरेंट हैं और ये हमारे फीमेल पेरेंट हैं। इनका जब हमने क्रॉस कराया तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग आई, जो प्रोजेनी आई, ठीक है,
इनके पास दोनों के करेक्टर्स होंगे, मेल के भी और फीमेल के भी, तो यहाँ पे कुछ वेरिएशंस मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसका पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया हमारा रिप्रोडक्शन का, किसका पार्ट हो गया, ये मियोसिस का पार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात हम लोग देखते हैं कि जो फंगी होती हैं, बहुत सारे ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसेक्सुअल मीन से रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फंगी मल्टीप्लाई करती है, स्प्रेड करती है, ड्यू टू मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे रिप्रोड्यूस। इस तरीके से अगर हम लोग देखें फंगी में, जो फिलामेंटस फंगी होती है, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस, ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। वेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ओके, सो ये कुछ कहानी थी हमारी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। अगली बार हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि मेटाबॉलिज्म होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पास एक स्पेशल करेक्टर है जिसका कि नाम है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म का मतलब है जितनी भी उनमें एक्टिविटीज हो रही है, हो सकता है वो कैटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही हो, मीन्स ब्रेक डाउन हो रहा हो वहां पर, हो सकता है कि एनाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हो, तो वो डिपेंड करेगा कि कैसा मॉलिक्यूल, अगर कोई पॉलीमर है तो वहां पे कैटाबॉलिज्म होगा, ब्रेक डाउन होगा, कोई अगर मोनोमर है तो छोटे छोटे मोनोमर्स यूनिट मिलकर एक पॉलीमर बनाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये केमिकल्स के बने हुए हैं, ये स्मॉल भी हो सकते हैं, बिग भी हो सकते हैं, उनकी डिफरेंट साइज और शेप और फंक्शन हो सकता है। तो देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन विच इज अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, अगर हम लोग बात करें तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जैसे कि जितनी भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का, वो उनका डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है, कि कॉन्शियसनेस है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। हाँ, अगर हम कॉन्शियसनेस पे थोड़ा सा फोकस करें, यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से समझना है आपको यहाँ पर, कि जो कॉन्शियसनेस है, क्या अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई पर्सन अनकॉन्शियस हो गया है, ठीक है, अगर अनकॉन्शियस हो गया है वो, अनकॉन्शियस, तो क्या उसकी डेथ हो जाती है, ऐसा भी नहीं होता है। तो हम इसको एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो बात समझ में आती है, इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। बहुत सारे टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्स टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुली विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। सो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं अलग अलग फैक्टर्स पे, जैसे कि लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, ठीक है। जो कॉन्शियसनेस की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो हैंडल करते हैं बहुत सारे केमिकल्स को जो कि उनकी बॉडी के एंटर और अंदर जा रहा है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ द सराउंडिंग, ह्यूमन बींग्स इज ऑनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ह्यूमन बींग सिर्फ सेल्फ कॉन्शियस बोलते हैं हम लोग एक टर्म, सेल्फ कॉन्शियस का मतलब खुद के लिए कॉन्शियस होना, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर, अगला पॉइंट हमारा आता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर से रिलेटेड है, वो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल्फ कॉन्शियसनेस। इस तरीके से हम लोग ने कई सारे पॉइंट्स देखे और अब हम लोग अगला आगे पॉइंट पढ़ते हैं, डायवर्सिटी। इस चैप्टर में हम लोग को डायवर्सिटी पढ़नी होगी और उसके बाद टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम हायर टू लोअर। हम लोग इस चैप्टर को तीन पार्ट में करेंगे। जो आज की बेसिक क्लास थी उसमें मैंने आपको बेसिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया है, अगली जो क्लास होगी हमारी कल होगी स्टूडेंट्स, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी, या डायवर्सिटी क्या है, ठीक है। एक क्लास में हम लोग डायवर्सिटी को खत्म कर लेंगे और दूसरी क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज है, जो भी टैक्सोनॉमी की कैटेगरी में इनको करा गया है क्लासिफिकेशन, वो हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी 1.2 पे होगी जो कि पेज नंबर 6 है एनसीईआरटी का, तो डायवर्सिटी पढ़ेंगे और उसके बाद अगली क्लास हमारी होगी इसकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे, और नेक्स्ट हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एक एक करके डिस्कस करेंगे सभी को,
और उसके बाद हम कुछ टेक्सोनॉमिकल एड्स बताएंगे आपको, जिसमें हर्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, ये सारा कंटेंट आएगा। और इससे ये हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी का, वो पूरी तरीके से फिनिश कर लेंगे हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ओके, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे। लिविंग इन डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का जो पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, वो हम लोग पूरी तरीके से फिनिश कर लेंगे अगले आने वाले 3 लेक्चर मान के चलिए आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, प्लीज ट्राई टू शेयर दिस वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग कल मिलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। टेक केयर, बाय बाय।